Hello students, welcome. How are you students? All are fine. तो आज हमारा subject है हिंदी. Today's our subject हिंदी. Students, आज हम हिंदी में व्यंजन क से कमल की practice करेंगे. क से कमल, क से कमल. तो students, सबसे पहले क से कमल को ट्रेस करेंगे. तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर हम हाफ सर्कल बनाएंगे और वापस हाफ सर्कल बनाएंगे. क्या बन गया स्टूडेंट्स? क से कमल, क से. तो स्टूडेंट्स, अब हम क से कमल को लिखने की प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. तो हम सबसे पहले स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, क से कमल. तो चलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस स्टार्ट करो. स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, क से कमल, क से कमल, क से कमल. स्पीक इट राइट स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, क से कमल बनाना कितना इजी है ना. पहले स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ सर्कल और हाफ सर्कल. क्या बन गया? क से कमल, क से कमल, क से कमल. स्पीक इट राइट स्टूडेंट्स. क से कमल व्यंजन क. क को हम क्या बोलेंगे? व्यंजन, व्यंजन क. क से कमल, क से कमल, क से कमल. स्पीक इट राइट स्टूडेंट. स्टूडेंट्स, क से कमल बनाना कितना इजी है ना. क से कमल, क से कमल. स्टूडेंट्स, पहले हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, फिर दो हाफ सर्कल बनाएंगे. तो बन गया क से कमल, क से कमल, क से कमल, क से कमल. स्पीक इट राइट स्टूडेंट्स. क से कमल, क से कमल, क से कमल. तो स्टूडेंट्स, आज हमने व्यंजन क की प्रैक्टिस की है. आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक या तो नोटबुक में व्यंजन क की प्रैक्टिस करनी है. स्पीक इट राइट स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आगे क्या सीखा था? स्वर सीखे थे ना, असे अह स्वर सीखे थे. हाउ मेनी स्वर होते हैं आपको पता है? कितने स्वर होते हैं स्टूडेंट्स? स्वर होते हैं 13. कितने होते हैं? 13. 13 स्वर होते हैं असे लेके अह तक. और हाथ से हमने क्या स्टार्ट किया स्टूडेंट्स? व्यंजन. क्या स्टार्ट किया? व्यंजन. आज हमने कौन सा व्यंजन सीखा? क. क से कमल, क से कमल, क से कमल. स्टूडेंट्स, आपको पता है स्वर हमने सुनिया में भी सीखा था और वन टाइम हमने लास्ट वीडियो में रिवाइज भी किया था. असे अह स्वर रिवाइज किया था ना. तो आपको डेली स्वर की प्रैक्टिस तो करनी ही है, साथ में जो भी व्यंजन आता है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है. आपको स्वर की प्रैक्टिस एक नोटबुक लेना है और नोट
टाइम रोज स्वर लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स लिखोगे ना आप और